दिन आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। लालचोट में एक समाज सेवक ने गौवंश के लिए डलवाया चारा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा के नल वाले बालाजी के बनी अस्थायी गौशाला में आज एक समाज सेवक ने 50 क्विंटल गाय को लिए कुट्टी से भरा ट्रैक्टर खाली करवाया। उपखंड रामगढ़ बछवाड़ा में हिंदू धर्म की धरोहर गौ माता, जो इन दिनों भूख और प्यास से त्रस्त बनी हुई है, उनको बचाने के लिए एक समाज सेवी ने कुट्टी से भरे चारे के ट्रैक्टर को खाली करवाकर गौवंश की भूख को शांत किया। आपको बता दें, इन दिनों किसान अपनी फसल को मद्देनजर रखते हुए अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, जिसके चलते गौवंश भूख से तड़प रहा है। केकड़ी में सीए और एनआरसी के पक्ष में धन्यवाद रैली निकाली गई। केकड़ी में राष्ट्रवादी मोर्चा के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने सीएए और एनआरसी के पक्ष में समर्थन करते हुए धन्यवाद रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। घंटाघर स्थित निर्मल ईश्वर महादेव मंदिर पर करीब एक घंटे तक चली सभा के बाद यहां से यह विशाल धन्यवाद रैली प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग सदर बाजार, खिड़की गेट, नेहरू गेट, बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर राष्ट्रवादी मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदूवादी संगठनों में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करने पर सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया और ज्ञापन में मांग की है कि देश में कानून के विरोध में जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकारें कड़ी कार्रवाई करें। इस धन्यवाद यात्रा में केकड़ी विधानसभा की हजारों लोगों ने भाग लिया। लोग हाथों में तख्तिया बैनर लेकर भगवा झंडा लहराकर नारे लगा रहे थे। पंचायत समिति फागलिया में किसानों ने की मुआवजे की मांग। पंचायत समिति फागलिया में कल टिड्डी दल हमले से फसलों में हुए नुकसान को लेकर सुबह किसान राजीव गांधी सेवा केंद्र फागलिया में पहुंचकर अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की मांग की। सुबह से लगातार किसानों का आना जाना जारी रहा। किसानों का कहना है कि हमारी फसलें पूर्ण रूप से चौपट हो गई है, हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सहायता की जाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।